हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 1 फ्रीलांसिंग बैच 8 को सॉल्व करते हैं। टोटल मार्क्स 10 है। लास्ट डेट हमारे पास 1 अगस्त 2024 है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो यू आर अ फ्रीलांसर सीकिंग न्यू प्रोजेक्ट्स विद इन योर स्पेसिफिक नीश। अपने नीश के मुताबिक आप नए प्रोजेक्ट्स को सीख करते हैं। guru.com इज़ अ पॉपुलर प्लेटफॉर्म। guru.com एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर कनेक्टिंग द फ्रीलांसर विद क्लाइंट, फ्रीलांसिंग को क्लाइंट के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब इसी के ऊपर आपने एक अच्छी जॉब सर्च करनी है। देखते हैं टास्क क्या है। टास्क 1 है हमारे पास मेंशन योर स्किल। सबसे पहले आपने अपनी स्किल को मेंशन करना है और इस सारे को आपने एमएस वर्ड में पेस्ट कर लें। सारे टास्क को आप यहां से कॉपी करके एमएस वर्ड की फाइल में पेस्ट कर लें और एमएस वर्ड में ही इसका सारे स्क्रीनशॉट हमने प्रोवाइड करने हैं। एमएस वर्ड की फाइल को ओपन करके तमाम डाटा कॉपी करके यहां पर आके आप पेस्ट कर लें। अब यहां पर देखें तो मेंशन योर स्किल। अब यहां पर आपने मेंशन स्किल करनी है। आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आपकी कोई भी आपका स्किल है आपने वो यहां पर टाइप करना है। मैं बाकी सब रिमूव कर देता हूं, मैं इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेता हूं, तो मैंने यहां पर जस्ट लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइनिंग। बाकी मेरे पास ये वाले मैंने नहीं रखने। आपने जो सिलेक्ट किए हैं आपने वो रखने हैं। आप कोई भी आपकी स्किल है आपने वो वाली यहाँ पर टाइप करनी है। तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ जाऊँगा। फिर उसने हमें यहाँ पर कहा, तो ये मैंने एक सिलेक्ट कर ली। फिर इसके बाद उसने यहाँ पर हमें कहा बी में टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द जॉब। जॉब का स्क्रीनशॉट लें अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये नीचे वो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इनके मुताबिक आपने ओपन करना, इसके मुताबिक आपने एक स्क्रीनशॉट पुट करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उसने कहा कि विजिट www.guru.com। हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको अलाउ कर देते हैं कि ये ओपन हो जाए। अच्छा, ये ओपन नहीं हुआ तो आप गूगल के अंदर guru.com लिखें तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे ये मैंने ओपन कर लिया, गूगल को ओपन किया और उसके अंदर guru.com डायरेक्ट लिख लिया। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें www.guru.com तो ये ओपन हो जाएगा। अब जब ये guru.com ओपन हो गया, फिर देखते हैं कि आगे उसने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हमें। नेक्स्ट उसने हमें कहा कि यूज़ द सर्च बार एट द टॉप ऑफ द होम पेज। होम पेज के ऊपर जो सर्च बार है, ये देखें, ये वाली सर्च बार है, इसको यूज़ करें। व्हाट स्किल यू आर लुकिंग फॉर, कौन सी स्किल्स आप यहाँ पर, तो इसको सर्च करें जो होम पेज के ऊपर सर्च बार है। या पोस्ट अ जॉब इट्स फ्री, मतलब ये वाला सर्च बार आपने यूज़ करना है। इसके बाद यूज़ द सर्च बार एट द टॉप ऑफ द होम पेज, इंटर कीवर्ड रिलेटेड टू योर नीश। तो हमने कौन सी चूज़ की थी, मैंने चूज़ की थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आपकी जो होगी आपने वो लिखनी है, डिजिटल मार्केटिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, जो भी है आपने वो चूज़ करनी है। तो उसको आपने यहाँ पर सर्च में लिख देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद यह आपका दूसरा तरीका यह है कि आप फाइंड द जॉब पे क्लिक कर लें। इस फाइंड जॉब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें आप सर्च फ्रीलांसिंग जॉब, तो यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। तो इधर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो इस तरह भी ये रेलिवेंट सर्च यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर सर्च मैंने इसलिए किया कि यहाँ पर हमें, चूंकि उसने इससे आगे हमें ये कहा हुआ है कि लुक एट द जॉब दैट अपेयर्स ऑन द स्क्रीन दैट टेक्स स्क्रीन शॉट ऑफ द जॉब पोस्टेड बाय द क्लाइंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट का क्लाइंट होना ज़रूरी है, तो वहाँ से हमें मुश्किल था इसको सर्च करना। तो मैं यहाँ फ़िल्टर पे आ जाऊँगा। अगर मैं फाइंड जॉब पे क्लिक करूँगा तो फिर मुझे फ़िल्टर लगाना इजी हो जाएगा। एम्प्लायर स्पेंट और फिल्टर और यहाँ पर सर्च ऑल कैटेगरीज, ये आ गए हमारे पास। अब यहाँ पर फ़िल्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर के ऊपर पेमेंट शो या क्वेश्चन लोकेशन का ये देखें ऑप्शन आ रहा है। अब लोकेशन मुझे कौन सी चाहिए, यूनाइटेड स्टेट, तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम, ये सारे यहाँ पर आ गए। जब मैं यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करूँगा तो फिर साथ यूनाइटेड स्टेट भी आ गया। तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था यूनाइटेड स्टेट, इसलिए वो, तो यहाँ पर मैंने यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर लिया। अप्लाई करूँगा यहाँ पर। यहाँ पर आपने फ़िल्टर को ओपन कर लेना है और फ़िल्टर पर क्लिक करें। यहाँ देखें लोकेशन लिखा हुआ है, लोकेशन पर आपने यूनाइटेड स्टेट लिख देना है। तो यहाँ पर जब आप यूनाइटेड स्टेट लिखेंगे तो ये देखें नीचे सर्च के अंदर यूनाइटेड स्टेट आ गया। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और अप्लाई करना है। अब यहाँ पर जो भी जॉब आएगी वो यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड आएगी। इसको आप क्लिक करें तो जो ही मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर मेंशन ग्राफिक टाइटल फॉर डॉक्यूमेंट्री, एक ये है, फिर एक वेब डिवेलपर है
और इसी तरह जो है वो ये दो जॉब्स हमारे पास यूनाइटेड स्टेट के आ गए, ये नीचे लिखा भी हुआ है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, जब मैं इस पर क्लिक किया तो ये नई विंडो पे ओपन हो गया। अब हमें उसका एक स्क्रीनशॉट पुट करना है। देखिए नेक्स्ट उसने हमें लिखा कि इसका एक स्क्रीनशॉट पुट करें एमएस वर्ड में, लुक एट द जॉब यूनाइटेड स्टेट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द जॉब, और इस जॉब का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। तो इसी का मैंने स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट के लिए आपने सर्च बार में जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है स्निपिंग टूल्स, SNIPPING, स्निपिंग टूल्स पे क्लिक किया। यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है, इस पर या न्यू लिखा होता है, इस पर क्लिक किया और एरिया सेलेक्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसी को मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करके इसको मैं एमएस वर्ड की फाइल में यहाँ पर जहाँ उसने स्क्रीनशॉट का कहा था उधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आ जाए तो हमारे पास सेकंड टास्क है, सर्च द जॉब रिलेटेड टू द स्किल्स यू हैव मैंशनड इन द टास्क वन। टास्क वन में जो आपने मैंशन किए स्किल उसको आपने जॉब में सर्च करना है। एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द जॉब दैट इज़ फुलफिल्ड बाय द फॉलोइंग क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के मुताबिक होना चाहिए। क्लाइंट हैज़ स्पेंट $200, क्लाइंट फीडबैक शुड बी 80% और क्लाइंट मस्ट हैव 20% ऑफ द जॉब पेड रेट। अब ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि क्या उसमें मौजूद हैं, अगर मौजूद हैं तो उसका स्क्रीनशॉट आपने पुट कर देना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने इसको ओपन किया था, इसका स्क्रीनशॉट पहले हमने पुट किया, यहाँ पर देखें तो पोस्टेड बाय, किसने ये पोस्ट किए, थॉमस पी ने, यूनाइटेड स्टेट, ये हमारा कंप्लीट हो गया कि यूनाइटेड स्टेट का ही है। इसके बाद उसने पहली चीज़ हमें ये कही थी कि यहाँ पर आपने देखना है कि इसका क्लाइंट है स्पेंट $200, देखते हैं कि क्या इसने $200 स्पेंट किए हुए हैं। यहाँ पर देखें तो टोटल स्पेंट, देखें यहाँ पर टोटल स्पेंड लिखा हुआ है और कितने हैं $1,776। तो उसने तो हमें जस्ट 200 का है, तो इसने तो $1,776, तो इट्स मीन ये क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है। एक चीज़ ये ठीक हो गई। फिर आप वापस जाते हैं, देखते हैं सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, द क्लाइंट फीडबैक शुड बी 80% और इसका फीडबैक 80% होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका फीडबैक कितना है, यहाँ पर देखें तो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है फीडबैक और ये फीडबैक कितना है 100%। अब उन्होंने तो हमें 80% कहा था तो ये 100% है, इट्स मीन ये भी परफेक्ट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था, द क्लाइंट मस्ट हैव 20% ऑफ द जॉब पेड रेट, जॉब पेड रेट 20% हो। अब यहाँ पर देखते हैं कि जॉब पेड, ये देखें जॉब्स पेड लिखा हुआ है और रेट 38% है और हमें उन्होंने जस्ट इसका 20% कहा था तो ये भी ज़्यादा है, 18% ज़्यादा है, तो ये क्राइटेरिया भी पूरा होता है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसे हम एमएस वर्ड की फाइल में पुट कर देंगे। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इतने एरिया को और यहाँ से स्निपिंग टूल्स की मदद से मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ये वाला हिस्सा ख़ास तौर पर आपने पॉइंट कर देना है, पॉइंट आउट कर देना है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसे भी एमएस वर्ड की फ़ाइल में पुट कर देता हूँ यहाँ पर सेकंड में। तो इस तरह ये हमारी फाइल कंप्लीट हो जाती है। अब इस फाइल को आपने क्या करना है, इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका आपने क्या करना है, इसको सेव कर लें, अकॉर्डिंग डिफरेंट नेम से सेव करना है, सेम नेम से सेव नहीं करना अदरवाइज़ ये पोस्ट नहीं होगी। मैं इसको सेव एज करता हूँ दिस पीसी के अंदर और डेस्कटॉप पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ एक्सरसाइज 1 और बैच 8। अब मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ये नाम चेंज करना लाजमी है, वही नाम होगा तो ये पोस्ट नहीं होगी। इसके बाद हमने क्या करना है कि अपने LMS को ओपन कर लेना है। एक्सरसाइज को सबमिट करने के लिए आपने क्या करना है, LMS में साइन इन होने के बाद एक्सरसाइज पे जाना है, यहाँ से आपने अपना कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है, सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जहाँ फाइल पड़ी है चूज़ फाइल पे जाके वहाँ से सिलेक्शन दे देंगे। डेस्कटॉप पे मैंने रखी थी अभी और ये देखें एक्सरसाइज 1 बैच 8 पड़ी है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये यहाँ पर आ गई और इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल हमारी सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो योर एक्सरसाइज फाइल EX1B8 हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड।